हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज मैं बताऊंगा कि लेबर और हेल्पर में क्या अंतर होता है, ठीक है, और गोल्फ में हेल्पर का जॉब क्या होता है, लेबर का जॉब क्या होता है, ठीक है, और हेल्पर और लेबर यहाँ पे सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन आकर क्या काम करते हैं, ठीक है, और कितना पैसा कमाते हैं, और हेल्पर और लेबर के लिए मतलब रिक्वायरमेंट कैसे जाता है, कहाँ जाता है, और हेल्पर और लेबर का मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो देखिए, हमारे साथ में है भाई जहांगीर भाई, ठीक है, और हम लोग रूममेट ही हैं, रूम में ही मतलब साथ में ही रहते हैं। और पहले बताइए अपने बारे में, जी तेज आवाज हेल्पर और अपने बारे में, लेबर। पहले पहले अपने बारे जी में। मैं भी इलेक्ट्रिकल हेल्पर हूँ, इलेक्ट्रिकल हेल्पर में कौन सी कंपनी में है आप? मबानी। अल्मवानी कंपनी में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल हेल्पर है, ठीक है। तो पहले ये बताइए कि हेल्पर और लेबर में क्या अंतर होता है? हेल्पर का मतलब है इलेक्ट्रिकल, जैसे कोई डिपार्टमेंट का हेल्पर है आप। हाँ, लेबर का मतलब है आपका डिपार्टमेंट में लेबर है तो कोई काम भी आपसे करवा सकते हैं, अच्छा, मतलब ऐसे हेल्पर है तो डिपार्टमेंट, यानी मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल में मैकेनिकल काम करवाएगा, करेंगे, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल करवाएगा। का कराएंगे, और डिपार्टमेंट ही अलग हाँ अलग हो जाते डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग हो अलग हो जाता है। जाता है, अच्छा, MAP का और सिविल का, हाँ ऐसे सिविल का, जो जिस डिपार्टमेंट का रहेगा तो उसी में काम उसी करना में काम है, अगर करेगा। अगर लेबर हेल्पर में आए हैं तो, हाँ और लेबर में आए हैं तो, लेबर में आए हैं तो कोई भी काम कराएगा, लेबर माने कोई भी कि करा सकते हैं, लेबरिंग का कोई भी कोई काम, भी काम आप, चाहे कोई आपको भी लोडिंग बेलचा, और, लोड बेलचा भाई, बेलचा भी मरवा सकता है, लोडिंग भी करवा सकता है, मसाला भी बनवा सकता है आपसे। अच्छा, बेलचा भी मतलब बेलचा भी चलवा सकता है, मसाला भी चलवा सकता है, मतलब मेसन के साथ में भी रह सकता है, किसी को साथ कोई भी ले सकते माल हैं आप, उतारना है, लोड वो भी करना कर है, उसके सकते हैं आप, भी साथ में बिल्कुल रह भी सकता है, यानी कि कहीं पे भी, जहाँ पे भी ज़रूरत होगा लेबर जरूरत का, हो। वहाँ हाँ पे वहाँ आपको पे डाल आपको देगा, डाल देगा, और हेल्पर है तो हेल्पर को कहीं पे नहीं भी नहीं नहीं डालेगा। जहाँ पे आप, जहाँ पे उस चीज़ का दरकार हो, जिस जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का हेल्पर है तो जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का काम ज़्यादा है वहाँ पे आपको बुलाएगी, पाइप फिटर है तो पाइप फिटर का काम जिधर है उधर आपको बुलाएगा, लेकिन हेल्पर है तो हेल्पर का काम हेल्पर जिधर भी का, होगा हाँ उधर वहाँ पे आपको आपको बुलाएगा। भेजेगा। अच्छा, जहांगीर भाई ये बताइए, आपका यहाँ पे कितना साल हो गया अल्बवानी में? हमारा तो 15 महीना हो गया। अच्छा, देखिए 15 महीना से भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया, लमसम 1.5 साल होने वाला है। अच्छा तो ये बताइए, इसके पहले भी आप कहीं पे काम नहीं करते नहीं थे गल्फ कभी में? नहीं, ये कभी नहीं, फर्स्ट टाइम है सऊदी में, फर्स्ट पहले फर्स्ट जी टाइम है। जी हाँ अच्छा, इनका फर्स्ट टाइम है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप इंडिया में कहीं काम किए थे, कहीं नहीं नहीं पे काम कभी नहीं नहीं। किए थे, तो आप इंटरव्यू कहाँ पे दिए अल्बानी में आने के लिए, सऊदी में आने के लिए इंटरव्यू कहाँ पे दिए? इंटरव्यू नहीं दिया, अच्छा इंटरव्यू नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट CV बनाया हाँ असिस्टेंट का। असिस्टेंट का, हाँ असिस्टेंट असिस्टेंट का, मतलब हाँ इलेक्ट्रीशियन का बनाए हाँ होंगे, इलेक्ट्रीशियन, इसी के इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट के का, साथ हाँ में। हाँ असिस्टेंट का बनाया है, CV लगाए, उसका उसके पास दरकार था बंदा का, बुलाया। अच्छा, मैंने क्लाइंट के पास तो अपना CV भेजे, हाँ यही ना? CV भेजे। तो हाँ आपको हेल्पर में लगाया हो, असिस्टेंट जी में नहीं होगा तो हेल्पर में आपका हाँ सिलेक्शन हो गया, हो यही गया। ना? हाँ तो भाई, अच्छा ये बताइए, तो सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो ये बताइए कि अगर हमारे जो नए भाई लोग हैं, जो भी हमारे भाई लोग बहुत से सब्सक्राइबर है या जो कमेंट करते हैं, अगर नए भाई लोग को आने का रहेगा, वो लोग कहीं पर काम नहीं किए हैं जो लोग, तो वो लोग कैसे यहाँ पर आएंगे हेल्पर में? वो उसको इलेक्ट्रीशियन का आप CV बनाइए, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का या जो भी ट्रेड का रहेगा, हाँ मतलब हाँ जो पाइप भी फिटर, ट्रेड चाहे का हो, प्लम्बर, हाँ जो चाहे भी ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी ट्रेड उसका हो CV उसका बनवाइए, CV बना दिया एक्सपीरियंस आपने, सर्टिफिकेट यानी बनवाइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अच्छा आप वहाँ बनाएं, उसको कहिए कि आप हमको उसमें काम नहीं है, हमको मैकेनिक हैं, चाहे इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे पाइप फिटर है, चाहे प्लेमर है, कोई भी, तो हमको अगर मिस्त्री में डालते हैं तो अगर हेल्पर में भी डालते हैं तो उसी ट्रेड का हेल्पर में डालिए हमको। अच्छा, मतलब मैकेनिकल में मैंने जो ट्रेड से हैं उसी ट्रेड में आप हाँ मतलब हेल्पर यहाँ डालिए। पे काम मैंने डाल दीजिए हाँ ना, हाँ अगर वो डायरेक्ट अगर, ट्रेड में नहीं उठा रहा है तो मैंने हाँ हेल्पर में जैसे डाल। हेल्पर है तो हाँ इलेक्ट्रिकल हेल्पर, हेल्पर है तो पाइप फिटर हेल्पर है, समझ गए, मैकेनिकल हेल्पर तो वो मैकेनिकल का ही काम कराएगा, और अगर हेल्पर है तो कुछ भी करा सकता है, अच्छा हेल्प, ऐसा है। हाँ अच्छा, तो तो कभी मैंने भी वही CV बनाने मैकेनिकल का, हेल्पर हाँ में मतलब आएंगे हाँ तो वो, हाँ और ऐसा है लेबर में अगर आ जाएंगे तो फंस तो जाएंगे, फंस यही जाएगा। ना? हाँ इधर हाँ तो कुछ भी ये करा ध्यान में सकता है। रखिएगा, अगर अच्छा एक चीज़ और बताइए, जो रिक्वायरमेंट जाता है, एक रहता है हेल्पर और एक रहता है लेबर, तो ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर हाँ है। बहुत बड़ा लेबर अंतर मतलब आ जाएंगे तो आपसे कोई भी काम कराएगा, यही ना? मतलब माल ढुलवाए, लोडिंग कराएगा, अनलोडिंग कराएगा, उसके बाद से मान लीजिए कहीं पे कुछ भी खींचना है, वायर खींचना है या कुछ भी करना है, तो कहीं पे भी, या बेलचा उलचा मारने के लिए भी सिविल का भी काम कराएगा, ब्लॉक, ये मेसन का काम है, ब्लॉक भी ढोने का काम कराएगा, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मैकेनिकल में आएंगे तो पाइप फिटर या बेल्डर या इलेक्ट्रीशियन, यही सब के साथ में रखेगा ना? अच्छा एक चीज़ और बताइए कि आपका यहाँ पर सैलरी कितना है?
हमारा तो ज़्यादा नहीं है, 950 रुपया अलमवानी में है भाई, तो इनका 950 रुपया सैलरी है। अच्छा ये बताइए, 950 रुपया सैलरी है, खाना आपका फ्री है ना? हाँ, कंपनी अलमवानी कंपनी का खाना माने कंपनी का है। अच्छा ये बताइए जहांगीर भाई कि मतलब खाना फ्री है तो 950 में ओवर टाइम लेकर आप कितना पैसा मतलब सैलरी उठा लेते हैं? 1250 इनका सैलरी आ जाता है ओनली 2 घंटा ओवर टाइम में। फ्राइडे नहीं चलता है ना? फ्राइडे नहीं चलता है। देखिए एकदम इसमें कोई झूठ नहीं है, एकदम लाइफ में आप मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समझ लीजिए 1250 इनका ओवर टाइम नहीं चलता है, केवल 2 घंटा चलता है तो इनका 1250 सैलरी आता है। अच्छा ये बताइए 1250 रुपया सैलरी अगर ओवर टाइम चलता था आपका कितना मैंने फ्राइडे चलता था कितना लमसम उठा लेते? फ्राइडे चलेगा अगर 12 घंटा हम लोग ऐसे किए हाँ, थे और फ्राइडे भी किए थे तो 1680 रुपये सैलरी आता है, मैंने हर जगह फ्राइडे चलता है। अभी हमारा भी वेक्टर में नहीं चला, इनका भी नहीं चल रहा है, अब समझ लीजिए, नहीं तो 1500-1600 रुपया कहीं हेल्पर में भी जाता है। अगर मान कर चलिए कि अगर ओवर टाइम चल रहा है ज़्यादा, हमारे भाई लोग यही कमेंट करते हैं कि हेल्पर में हम आ जाएं और फ्राइडे हमारा ओवर टाइम लेकर सैलरी कितना आ जाएगा, तो मानकर मिनिमम मान कर चलिए 1400 से 1500 रुपया कहीं जाएगा, 1500 जाएगा नहीं। अगर 1500 रुपया भी सैलरी आ रहा है तो मान लीजिए इंडिया का कितना मन हो जाएगा लमसम, इस समय का रेट अभी 22 रुपया चल रहे हैं ना, 30 हो गया ना, 30 कितना हो जाएगा, मान लीजिए 33-34 हज़ार का लगभग, 33-34 हज़ार रुपये हेल्पर में। लेकिन हाँ ये चीज़ जान लीजिए कि 33-34 हज़ार रुपये हेल्पर में आप कमा लेंगे, लेकिन ओवर टाइम चलेगा तभी ना, नहीं तो ऐसे भी 2 घंटा इनका नॉर्मल ओवर टाइम जब से आए हैं तब से कंटिन्यू चल रहा है ना, कंटिन्यू चल रहा है, तो 1250-1250 रुपये सैलरी खाना फ्री है ना, ठीक है मान लीजिए 500 रुपये अगर खाना अलग से कुछ खर्चा होता होगा, लेकिन 1250 इनका सैलरी आ जाता है तो मान कर चलिए अगर 1200 का ही केवल जोड़ा जाए तो 1250 का हो गया लमसम 12 दून 24 और 12 दून 24 यानी कि लमसम 26-27 हज़ार रुपया ये सेव कर लेते हैं, मैंने बचा लेते हैं मैंने हेल्पर में आकर, ये है ना जंगी तो सही है ना, सच्चाई है ना। और कोई फ्राइडे छोड़कर अगर फ्राइडे चल रहा है तो 30-32 हज़ार रुपये आपका कहीं नहीं जाएगा, समझ लीजिए मैंने 30 हज़ार रुपये आराम से खा पी कर सेव कर लेंगे, ठीक है। तो ये लाइव है फ्रेंड, और बहुत से हमारे भाई लोग को सबसे ज़्यादा कमेंट यही इसी पे आता है, ठीक है। आज मैं फर्स्ट टाइम ये मैंने सोचा कि इनके साथ में वीडियो बनाया जाए और आप लोग को थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है, और दूसरा चीज़ है कि हेल्पर में भी जो ट्रेड से आएंगे जितना चार्ज रहेगा भरने का उतना भी हेल्पर में भरने का रहता है, अगर फ्री रिक्वायरमेंट है तो हेल्पर का भी फ्री में आएंगे, है कि नहीं, सही है ना। और आपसे बता दूं कि अल्पवानी कंपनी भी अच्छी है। अच्छा आपका सैलरी कितना टाइम मतलब कितना तारीख तक आ जाता है? हमारा सैलरी 30/30, 1 तारीख कभी नहीं होता, 1 तारीख कभी नहीं होता है, 30 तारीख से पहले सैलरी कंपनी इनके अकाउंट में क्रेडिट करते है ना, आ जाता है समझ लीजिए मैसेज 30 तारीख तक, 30-31 का महीना कहते हैं पहले मैंने डाला है कि कोई कंपनी है 10 तारीख 15 तारीख 2 तारीख 4 तारीख ऐसा नहीं, 30 तारीख से पहले कंपनी में सैलरी आ जाती है, बताइए पैसा 15 महीना इनका हो गया, देखिए अभी इसमें तो ये चीज़ है फ्रेंड। अगर अच्छा तो कुछ और हमारे जो नए भाई लोग हैं हेल्पर्स अगर आना चाहते हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए, कहिए नहीं उनको कहिए कि जो जो जहाँ लगाते हैं सीबी और जो एजेंट से लगाते हैं उनको कहिए कि कभी भी हमको लगाइए, लेकिन कोई ऐसा ट्रेड में लगाइए, इलेक्ट्रिकल हेल्पर है हाँ वही मैकेनिकल में लगाइए, मैकेनिकल हेल्पर है तो मैकेनिकल हेल्पर में लगाइए, लेबर में नहीं, लेबर में मत लगाइए, डायरेक्ट हेल्पर नहीं लगाइए हाँ लेबर में, मतलब इनका कहने मतलब वही है कि मैं बता रहा हूँ कि लेबर में मत लगाइए, लेबर ये ध्यान में रखिएगा अगर रिक्वायरमेंट गया है तो उसमें लेबर लिखा रहेगा LABOAOUR लेबर मत लगाइए, हेल्पर लिखा रहेगा हेल्पर में ही लगाइए, इसलिए हेल्पर का मतलब मैकेनिकल में काम करना है, चाहे पाइप फिटर के साथ में हो, चाहे बिल्डर के साथ में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के साथ में हो, चाहे कोई भी ट्रेड के साथ में, और लेबर में आ जाएंगे तो आपसे लोडिंग और लोडिंग कहीं यार्ड में कहीं पे भी ड्यूटी मेसन ओसन के साथ में है ना, स्टील फिक्सर के साथ में कहीं पे भी लगा देगा, हाँ लेके चला जाएगा कहीं भी लेके चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यही था फ्रेंड, तो फ्रेंड आई होप कि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके आज के लिए गुड बाय।